हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूँ श्वेता। और फ्रेंड्स, आज रिपब्लिक डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज के स्पेशल ओकेशन के लिए मैं एक डेजर्ट लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल, क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी है। तो ये रेसिपी है एक स्वीट जिसे बनाना बहुत ही आसान है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये झटपट से बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर हमें घी ऐड करना है पैन में और मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 1/4 कप मिल्क ऐड करना है, 1/2 कप मिल्क पाउडर। अब हम इसे स्टर कर लेंगे, तो फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखना है। वन टेबल स्पून के बराबर मलाई ऐड करना है, 1/2 कप के बराबर पाउडर शुगर ऐड किया है मैंने, तो चीनी को मैंने पीस लिया है, पाउडर शुगर कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे जस्ट मेल्ट होने तक अच्छे से, ज़्यादा देर नहीं कुक करना है हमें। अब मैं इसमें 1.5 कप के बराबर यानी 1.5 कप के बराबर पाउडर कैश्यू नट ऐड कर रही हूँ, तो काजू को मैंने बारीक पीस लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। अब बस इसे 1 मिनट पकाना है। इलायची पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर, कार्डमम पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हम बंद कर देंगे, तो इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो इसे हल्का ठंडा हो जाने देते हैं। तो 1/2 कप मिल्क पाउडर मैंने पहले भी ऐड किया था पकाते वक्त, और 2nd हाफ में मैंने 1/2 कप के बराबर मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करूँगी 1 कप के बराबर, तो ये नारियल का चूरा है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हल्का गर्म है, आप इसे ठंडा करके ही मिक्स कीजिएगा। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके 3 इक्वल पोर्शन डिवाइड करेंगे, तो हम 3 बॉल्स बना लेते हैं इसके। तो ये हमारे 3 बॉल्स बन चुके हैं। तो 1 बॉल में हम रेड कलर यूज करेंगे, तो ये मैंने एडिबल कलर लिया है और थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया है रेड कलर आने तक। तो ये हमारा एक रेड बॉल तैयार हो जाएगा। तो हम ट्राई कलर का स्वीट बना रहे हैं, तो ये हमारा केसरी रंग हो गया, सैफ्रन कलर, तो इसे हम अलग रख देते हैं। इसी तरह से हम ग्रीन कलर का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो ये ग्रीन कलर का बॉल बन जाएगा। इसे भी मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ ग्रीन कलर को दूध में मिक्स कर लिया था। तो ये हमारा ट्राई कलर बॉल्स रेडी है, वाइट, ग्रीन एंड सैफ्रन कलर। अब हम सब में से बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे, तीनों कलर्स के। तो ये मैंने तीनों कलर्स के बॉल बना लिए हैं। अब हम इसको असेंबल करेंगे, तो आप कोई भी कलर लगा सकते हैं किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली। तो हम सब कलर को राउंड शेप में देंगे और फिर इस तरह से अरेंज करेंगे। तो मैं आपको बना के बताती हूँ। तो इस तरह से हमें 7 बॉल्स लेने हैं और इस तरह से रोटेशन करते हुए हमें धीरे से दबाते जाना है, और ये हमारा स्वीट बनकर रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा हमें प्रेस कर देना है बस। तो ये हमारा
तिरंगा स्वीट बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनता है ये। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। हल्का सा प्रेस कर देना है ऊपर, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्राई कलर का स्वीट बनकर तैयार है। अब देखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल। इस तरह से हमें अरेंज करते हुए बना लेना है। तो फ्रेंड्स, ये स्वीट बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी एंड यमी और देखने में भी बहुत ही अच्छा। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लस बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।